दक्षिणी कश्मीर में पुलवामा के अवंतीपुरा में बीती रात आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में दो दहशतगर्दों का खात्मा कर दिया गया है। कश्मीर पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बलों ने कश्मीरी अभिनेत्री अमरीन भट्ट की हत्या करने वाले दोनों आतंकवादियों को घेर कर मार डाला है। कल रात में दो इनकाउंटर हुआ है, एक सौरा एरिया श्रीनगर में, जिसमें श्रीनगर पुलिस को खबर मिला था कि लश्कर सेवा का दो जगह साउथ कश्मीर से यहाँ आए हुए हैं। श्रीनगर पुलिस की छोटी टीम गई तो फॉलो कर रही थी, जाते अंदर से फायरिंग आ गया। रिटेलिएशन में दोनों टेरिस्ट मारे गए हैं, दोनों लोकल टेरिस्ट, सी कैटेगरी टेरिस्ट है। एक AK-47 एक पिस्टल मिला है। दूसरा इनकाउंटर वंतीपुर एरिया हुआ है, उसमें दो LET का टेरिस्ट मारा गया है। और हम सब याद है कि दो दिन पहले एक TV एक्ट्रेस को मारा था, हम लोग तभी से उसको ट्रैक कर रहे थे, उसमें से दोनों मारे गए। लतीफ के डायरेक्शन पर दोनों ने किल किया, तो जो हमारे लेट सिस्टर हैं अमरीन, उनको जस्टिस मिला है। इसलिए तीन दिन में 10 टेरिस्ट मार गया, जिसमें 3 जैश मोहम्मद का है और 7 लश्कर तोबा का। जैसा कि हमारे जब पुलिस वाले बैठे के शहीद हुए थे, इसी जगह हम लोग आप लोग बोले थे कि नया ट्रेंड है टेरिस्ट का, ये लोगों में टेरर फैलाना, भय फैलाना, इसलिए सिविलियन को, मेंस को, छोटे बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। हम सब देखे होंगे कि पिछले 2-3 दिन पहले ERF LET की तरफ से एक पंपलेट, डिजिटल पंपलेट आया था, उसमें खुलिया में इन्होंने ऐसा टारगेट बोला भी था कि हम पुलिस वाले सिविलियन जो बच्चों को भी टारगेट करेंगे। ये कहराना हरकत है, पूरी सोसाइटी को इसके खिलाफ बोलना चाहिए, इवन कि आतंकवादी की फैमिली मेम्बर को इसके खिलाफ बोलना चाहिए। Your report, The Straits Times, Srinagar.